In the given comprehension, longitudinal displacement organ pipe में हमें दे रखी है, जिसका equation यहाँ पर mentioned है. Now हमसे यहाँ पर ये पता किया, हमें ये पता करना है कि ये जो organ pipe है जिसमें y को measure इस stopend से किया गया है यहाँ, और ये organ pipe open या closed है किस जगह पर. Then organ pipe closed है या open ये decide होगा y की position पर. और क्योंकि organ pipe में end correction की value दे रखी है 1 cm और y को यहाँ पर centimeter से ही measure किया गया है, then अगर ये end open है तो y is equal to -1, क्योंकि end correction है -1 cm का, तो इस end के 1 cm ऊपर हमें एंटी नोड मिलना चाहिए डिस्प्लेसमेंट का. डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड मिलना चाहिए और इसका मतलब है यहां पर इस फंक्शन की वैल्यू 2nπ के बराबर होनी चाहिए. y इज इक्वल टू -1 पुट करते ही यहां पर 2π/80 -1 + 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू 1. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड इस पोजीशन पर, डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हमें यहां पर ये पता चलेगा किसी भी पोजीशन पर, और डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है y इज इक्वल टू -1 पर, एट y इज इक्वल टू -1. इसका मतलब यहां पर ओपन एंड है. देन y की ऑर्गन पाइप की लेंथ है 99 cm और अगर हम यहाँ पर 99 पुट करते हैं, देन एट y इज इक्वल टू 99 cm cos 2π/80 99 + 100 और ये वैल्यू π/4 cos 5π/2 की वैल्यू होगी 0 और इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट की का एम्पलीट्यूड y इज इक्वल टू 99 cm पर 0 होगा. दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 99 विल बी पोजिशन ऑफ नोड फॉर डिस्प्लेसमेंट. नाउ नोड हमें क्लोज्ड एंड पर मिलेगा और ऑर्गन पाइप की लेंथ 99 cm है, इसका मतलब है कि एंड पर हमें नोड मिल रहा है. ऑर्गन पाइप के एंड पर नोड मिलने का मतलब ये क्लोज्ड एंड होगा. देन टॉप एंड विल बी ओपन एंड बॉटम एंड विल बी क्लोज्ड एंड ऑप्शन ए विल बी करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ फॉर दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड प्रेशर एम्पलीट्यूड. प्रेशर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, प्रेशर वेव का इक्वेशन पता करना है. तो अगर हम ऑप्शंस को क्रॉस चेक करें तो हमें पता है कि ओपन एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए एंटी नोड देता है, जबकि प्रेशर के लिए ये नोड की पोजीशन होगी, और क्लोज्ड एंड पर प्रेशर का एंटी नोड होगा. प्रेशर एंटी नोड होना चाहिए जबकि ओपन एंड पर प्रेशर का नोड होना चाहिए. और इसका
कंक्लूजन इसका मतलब यहां पर यह होगा कि ऑप्शन क्रॉस चेक कर रहे हैं, पहले ऑप्शन में साइन 2 पाई बाई 80 y + 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और y की वैल्यू अगर हम -1 रखते हैं तो साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी, और इसका मतलब यहां पर प्रेशर का नोड होगा y = -1, प्रेशर का नोड दे रहा होगा, और y = 99 पुट करने पर हमें साइन के इसी फंक्शन की वैल्यू 0 मिलेगी, सॉरी 1 मिलेगी, और इसका मतलब यहां पर एंटी नोड होगा y = 99 पर, 99 सेंटीमीटर। और ऐसा हमें कॉस के फंक्शंस में, जहां पर डिस्प्लेसमेंट वाई कॉस के फंक्शंस के साथ है, उनमें इसका ठीक उल्टा मिलेगा। यहां पर हमें प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यूज मिलेंगी, यानी इक्वेशन ऑप्शन बी एंड डी आर सजेस्टिंग फॉर प्रेशर एंटी नोड एट ओपन एंड एंड प्रेशर नोड एट क्लोज्ड एंड, विच इज नॉट पॉसिबल। देन अवर ऑप्शंस आर लिमिटेड टू ए एंड सी। नाउ वी नो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड इन प्रेशर वेव एंड डिस्प्लेसमेंट वेव, एंड फ्रीक्वेंसी इज 400 इन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशंस, हेंस इट विल रिमेन 400 इन प्रेशर इक्वेशन। और इसका मतलब यहां पर हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिसमें फ्रीक्वेंसी 400 दे रखी है, जबकि ऑप्शन सी में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 200 है। तो इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन हमारा ए होगा।